मूल निवासी साथियों, आज हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला प्रभारी माननीय विजय कुमार जी हैं। हम इनसे कैब और एनसीआर पे इनका रिव्यू जानना चाहेंगे। हम कैब और एनसीआर से इतना देश में तबाही मचा हुआ है, आखिर इसका इफेक्ट क्या है, लोग क्यों इतना परेशान है, हम ये सारी बातें हम माननीय विजय जी से जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला यूनिट गोरखपुर की तरफ से इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का पुरजोर विरोध करता हूँ। साथ ही देश में बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी सरकार ने जो संविधान का उल्लंघन करके, संविधान की प्रस्तावना के विपरीत जा करके, जो जाति और धर्म के आधार पर जो ये बिल अधिनियम पारित किया है, ये देश की जो एकता है, जो अखंडता है, इसके तोड़ने की प्रयास कर रही है। साथ ही हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 14, 15, 16 है, वो इस बात का इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी विशेष धर्म के लिए और किसी विशेष अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाएंगे। इसलिए जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पारित किया गया है, ये पारित अधिनियम ही इस देश को विभाजित करने का एक षड्यंत्र है, इसको हमें समझना पड़ेगा। साथियों, जो ये NRC इस देश में लाई गई, NRC प्रत्येक देश में NRC होता है, अपने देश में भी NRC होनी चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, इससे पता चले कि इस देश में कितने लोग हैं और कहां कहां के रहने वाले लोग। मगर इस आधार पर जब NRC को ला करके असम में लागू किया गया, उस असम के जो रहने वाले लोग थे उसमें से 19 लाख लोग उस रजिस्टर से बाहर हो गए। इसका नतीजा क्या निकला, उसमें लगभग 14.5 लाख लोग SC ST OBC और बुद्धिज्म, जैन, फारसी, पारसी और से संबंधित हैं, सिख भी उसमें शामिल है, और लगभग उसमें 4.5 लाख लोग मुस्लिम हैं। ये बिल बनाई गई कि इसके माध्यम से उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन साथियों, इस देश में जो ये अधिनियम लाया गया, इसी अधिनियम के तहत ये नियम बनाया गया कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग, अगर वो हिंदू है, वो सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी, और उसको नागरिकता देने के लिए उसको कोई भी मापदंड और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, और अगर वो 5 साल इस भारत में रह चुका है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मुसलमानों के लिए ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि आपको अगर नागरिकता चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि तुम, हम इस देश के रहने वाले हैं। साथियों, सवाल इसी बात का है कि भारत देश एक है, यहाँ का संविधान एक है, तो ये नियम जो बनाया गया है, ये नियम दो प्रकार का क्यों है, किसी के लिए इतनी सरल नियम है और किसी के लिए इतना टफ नियम बनाया गया है, ये सवाल इस बात पे उठती है। साथियों, ये मनुवादी सरकार, ये बीजेपी सरकार इस देश में जो अमन चैन है, जो खुशहाली है, इस चीज को वह खत्म करना चाहती है। आप देख रहे हैं कि देश में महंगाई है, इस देश में बेरोजगारी है, भूखमरी में अपना देश नेपाल और पाकिस्तान से आगे निकल गया, इतनी भुखमरी हुई कि हम आजकल नेपाल से भी आगे निकल गए हैं, नेपाल भी भुखमरी दूर करने में भारत से बेहतर है। आप GDP देख लीजिए, GDP 4.5 हो गया, अभी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बताया कि वो माइनस में जाने वाला है, 3.9। बेरोजगारी का आलम देखिए 11.2 रेट उसका बढ़ गया। तो साथियों, इस सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए नागरिकता अधिनियम लाया गया है, सबसे मुख्य बात यह है। हम इसीलिए हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तरफ से, इस गोरखपुर की जो यूनिट है, इसके तरफ से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर ये सरकार वापस नहीं लेती है तो हम भविष्य में भी हम लोग आंदोलन करेंगे, और जब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि ये बिल सरकार वापस नहीं लेती है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये बिल जो कैब और NRC है, ये किस आधार पर होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उसके तहत जो नागरिकता है, नागरिकता उन लोगों को दी गई जो इस भारत में पहले से निवास करते थे या निवास करना चाहते थे। उसके बाद से समय समय पर नागरिकता संशोधन किया गया, उसके प्रावधान को बदले गए, 1970 में भी बदला गया, और आज फिर 2019 में भी बदला जा रहा है। लेकिन
जो उसका मुद्दा है, जो बेस है, अगर हम संविधान की बात करें तो हम जो आज की जो नागरिक संशोधन अधिनियम है इस राष्ट्र के खिलाफ है, इस राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर देशी और विदेशी की बात है, अगर देशी और विदेशी की बात है तो इस देश में जो नागरिकता है वो डीएनए के आधार पर देनी चाहिए। डीएनए आपने पढ़ा होगा कि 31 दिसंबर 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में तो एक न्यूज छपी, उस न्यूज के माध्यम से ये बात सामने आई कि जो ये आज अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, जो अपने आप को तथाकथित देश प्रेमी कह रहे हैं, वो इस भारत के रहने वाले लोग नहीं है, तो यहाँ का ब्राह्मण है, जो 3% लोग हैं जो इस भारत को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं वो इस देश का रहने वाला नहीं है, वो यूरोपियन लोग हैं। अभी अभी एक न्यूज छपी, उसमें 108 वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि ये लोग भारत के रहने वाले लोग नहीं है, ये यूरोपियन विदेशी लोग हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें नागरिकता ले आनी है, अगर तुम्हें देशी विदेशी का मामला है तो डीएनए नागरिकता दो, कौन देशी है कौन विदेशी है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब ये डीएनए बेस तो होना चाहिए, उसका भारतीय विद्यार्थी मोर्चा भी पूरा समर्थन करता है। हमारे साथ हमारे जिला प्रभारी माननीय विजय कुमार भारती जी थे।